यहाँ पे बैंगन लगे हुए थे, ये बैंगनों वाला पौधा है। ऐसे कुछ पाए गए हैं लोग यहाँ पर, बैंगन उतार के ले गए। बचपन से हम भाइयों से ये पकौड़ियाँ लेते आए हैं, तो आज फिर इंशाल्लाह ये पकौड़ियाँ आपकी अमेरिका जानी है। जब मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका से वापस आया था 2 साल बाद, इसने होंडा ला के मेरे घर के पास, इसने स्पेशल मेरे लिए ब्रांड न्यू होंडा निकलवाया। बस देख लो आप लोग, मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, भावे मत कहना दिखाया नहीं था। इसके ऊपर भी खोया, ये चेक करो, डाल नहीं डाले जी, खोया। हाय हाय हाय, आप ऊपर से रूह अफ़ज़ा। हाय, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जी उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वफ़ियत से होंगे, मैं भी अल्लाह का करम अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक ठाक। लो जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू, ठीक है जी। जैसे कि आप लोगों ने कल 2 व्लॉग देखे, वो मामू के घर गुजरे, आज का जो व्लॉग है मैं घर से निकल रहा हूँ, 1-2 काम हैं, अपने पुराने मोहल्ले वाली साइड पर भी जाना है और आई थिंक नई नार के लिए कहते हैं उस तरफ जाना है। तो जैसा भी है मैंने सोचा कि ना आप लोगों को साल लेके चलें और टाइम देख लो भाई, वही टाइम है, कोई नई चीज़ नहीं है, चेक करो। यू गाइस वोंट बिलीव, लुक आज 6 बजे व्लॉग शुरू हो रहा है, ठीक है गाइस। भाई क्या कर सकता हूँ भाई, मैं क्या करूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ। पहले मुझे पिक करना है मेरे जो कज़न है, मेरी फुप्पो के जो बेटा है, मेरे कज़न फुप्पो के जो बेटे हैं उनका बेटा, उनको पिक कर, उसको पिक करना आज, वो मेरे साथ होगा इस व्लॉग में, ठीक है। तो उसको पिक करना है, उसके बाद हम चलेंगे आगे, जो भी सफ़र होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। जब तक मैं यहाँ से फुप्पो के घर पहुँचता हूँ, आप लोगों का क्या काम है, प्लीज़ गो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्लस प्रेस द बेल आइकन बटन, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऐसे साथ बने रहें। ऑल सी यू गाइज ऑन द रोड इन अ बिट, स्टे ट्यून्ड। तो मैं यहाँ से निकलने लगा था और चेक करें जी हमारे भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। ये हमारे माली भाई हैं, ये अम्मी का जो छोटा सा गार्डन है ना उसकी देखभाल ये करते हैं जी। मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूं। भाई कोई मसला तो नहीं व्लॉग में आने में ना? नहीं सर। बड़ी मेहरबानी। मैं आपको चीज़ दिखाऊं, आपको याद हो यहाँ पे बैंगन लगे हुए थे, ये बैंगनों वाला पौधा है। ऐसे कुछ पाए गए हैं लोग यहाँ पर, बैंगन उतार के ले गए साहब लगाओ। मैं अम्मी को बोल रहा था बैंगन उतार लो, और वो सामने लीमू जो है वो लीमू भी पक चुके हैं। ये देखो बस एक बैंगन मिला, वो भी इस पौधे में जो नीचे पौधा लगा हुआ है यहाँ पर, ये चेक करो छोटा सा बैंगन, जो इस पे 3-4 बैंगन लगे थे, कल लगे हुए थे भाई, कल दोपहर को, इस टाइम बैंगन गायब हो गए वहाँ से, इसलिए उतार लिया करो टाइम पे। चलो ये लो, मैं जा रहा हूँ, अब निकल रहा हूँ, ये लो। ओके गाइस मैं निकल रहा हूँ, अब आपसे रिश्ते में मिलूंगा इंशाल्लाह, स्टे ट्यून्ड। बिस्मिल्लाह। Hours later. 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली फुप्पो के घर पहुंच गया था, और मेरे पास इतना टाइम था कि मैं वहां रुक के कोई गप्पा शप्पा मारता, मैं बस फौरन गुल भाई के बेटे को पिक किया, अहमद को, जिसने इस वक्त कैमरा होल्ड किया हुआ है, और हम वहां से भी निकल पड़े हैं। टैंकी फुल करवाई है गाड़ी की, अब हम जा रहे हैं जी, कहाँ जा रहे हैं, अनारकली, और पुराने मोहल्ले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक काम है, वहां पे भी रुकेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। तो जी फिलहाल बच्चों को मैंने पिक कर लिया, बच्चे ने कैमरा होल्ड किया, ये बच्चा आपको थोड़ी देर बाद नजर आएगा। अभी जरा भाई बहुत रश है आज, तो रेन कहते ना अल्लाह माफ करे, रेन ना साईदा, एनी ट्रैफिक। 1.5 घंटे में मैं अपने घर से पप्पू के घर पहुंचा हूँ, और भाई दिल तो मेरा किया मैं ऐसी गालियां निकालू पाकिस्तानी अवाम को, लेकिन वहां में फिर यही ख्याल है कि नहीं यार हम भी इसी अवाम का हिस्सा है, ठीक है ना। पर एनीवेज क्या करें, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है ना। ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंसानी कदर कोई नहीं है, जब तुम दूसरे इंसान की कदर नहीं कर रहे तुम्हारी कोई कदर करेगा, कभी भी नहीं होगा। दूसरे की कदर करोगे तो तुम्हारी कोई कदर करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे किसी की कोई कदर नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। एम्बुलेंस में बंदा वो मार मार सायरन पागल हो गया एम्बुलेंस वाला के भाई रास्ता दे दो, मेरे ख्याल से बंदा अंदर ही मर चुका होगा जिसको भी लेके जा रहे थे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, बस ये मेरी अपनी फीलिंग थी इस वक्त। यू गाइस वोंट बिलीव मैं कितना गुस्से में, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ उस वक्त, पर मैं कह नहीं रहा, क्यों बस ना ही क्यों तो बेहतर है। एनीवेज आप लोगों से थोड़ी देर मिलता हूँ, स्टे ट्यून्ड। अ फ्यू इंचेस लेटर। तो जी मैं मजंग बाजार में हूँ इस वक्त, अनारकली से पहले ये मजंग बाजार आता है, यहाँ से मुझे पकौड़ियाँ लेनी है। पकौड़ियाँ वो होती है जो दही भल्लों के अंदर नहीं डलते भल्ले, पकौड़ियाँ वो लेने आया हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की मैं गाड़ी आगे दे जाऊं, लेकिन आई डोंट थिंक आई कैन गो, आई हैव टू बैक अप फ्रॉम हियर, बट एनीवेज
मैं जाता हूँ पकौड़ियाँ लेके आता हूँ, बच्चा गाड़ी में बैठेगा, मैं आपको दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ये हमारे गुल भाई का बेटा है अहमद, इसकी शक्ल देख रहे हो ना, बिल्कुल बाप की कॉपी है शक्ल में। तो गुल भाई तो आप देखे होंगे, नहीं देखे तो दिखा देंगे गुल भाई भी आपको। एनीवेज निकलते हैं यहाँ से, ये इधर ही बैठे, मैं पकौड़ियाँ लेके आता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो स्टे ट्यून। तो मैं आया हूँ, ये ओल्ड मुजंग है। आप किस तरफ जा रहे? मैंने जाना अनार के लिए। आप तो गाड़ी उधर खड़ी है, वो मैं निकल जाऊंगा। मैं वैसे पूछ रहा हूँ एड्रेस क्या है? ये मछली वाला मजंग थाना इस तरफ है, ये मच्छी वाला चौक है, लेकिन लसूरी बाजार भाई, उसके दरमियान यहाँ पे बचपन से हम भाइयों से ये पकौड़ियाँ लेते आए हैं। तो आज फिर इंशाल्लाह ये पकौड़ियाँ आपकी अमेरिका जानी है, ठीक है ना? बचपन से ले रहे हैं जी, इनसे बचपन से ले रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई का ब्लॉग बना लूँ साहब, ठीक है ना? तो बस यादें समेट रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ की यादें समेट रहा हूँ। हाँ मैं वो ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ जी 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 जी, बिल्कुल मुझे पता, मैं आपको पला बड़ा ही यहाँ पे मुझे सब पता है। एनीवेज गाइस, मैंने सोचा आपको दिखा दूं, ये हमारे बचपन से हम यहाँ से लेते आ रहे हैं इनसे, तो आप फिर ले लिए, तो इंशाल्लाह बाकी से आगे जाके मिलता हूँ जहाँ पे भी जाना है, ठीक है भाई? बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जजा दे, चला जिंदगी दोबारा मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह। जी सो फरंगी एक मलंगी, बिल्कुल ऐसी बात, सो फरंगी एक मजंगी, ये मजंग है सारा, सारा मजंग कह रही है। सो आई विल सी यू गाइस इन अ बिट, स्टे ट्यून्ड। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह वहां से वो पकौड़ियां लेके, भाई मैं तो इतनी मुश्किलों से निकला हूँ उस बाजार में से, अभी भी चेक करो यार, आज कुछ खास बीमारी है पाकिस्तान में, इतनी ट्रैफिक, अबे क्या हो रहा है यहाँ पर, आई एम टायर्ड ऑफ दिस। मेरे बाप कहना प्यो दादा जी, तो भाई मैंने आइंदा के बाद ना बाहर नहीं निकलना इस टाइम पे, वैसे तो निकलना क्यों नहीं निकलना, ये बात तो नहीं होगी ना। नहीं वैसे तो यहाँ से अब ये जी मैं मेरी कोशिश थी, मैं ये है जैन मंदिर, अगर आप लोगों को नजर आ रहा नहीं आ रहा है जी जैन मंदिर, ये मैं आप लोगों को ना ये दिखाना चाहता हूँ यार, ये अभी तो फिलहाल मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम ना ये पुराने मोहल्ले पर पहुँचने वाले हैं। ये पूरा एरिया देख रहे हो आप लोग, ये पूरा एरिया मैं आप लोगों को यहाँ पे वॉक करेंगे और आपको वॉक करके ये पूरा एरिया दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये नया बनाया है, यहाँ पे जैन मंदिर होता था हिंदुओं का मंदिर, यहाँ पे ये, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो दिखा सकूँ। फिलहाल जरा जो काम है वो निबेड़ लें, उसके बाद वापसी पे यहाँ पे रुकेंगे और उसका पूरा कैप्चर करेंगे, और उसके बाद घर जाके इंशाल्लाह बाकी जो व्लॉग एंड करना होगा घर घर जाके करेंगे, ठीक है भाई जान? आप सही कह रहे हैं अहमद भाई, आप तो कुछ कह नहीं रहे, मैं ही कह रहा हूँ, आप तो बस हंस रहे हैं बैठ के, बेचारा हंसी आ रहा है चले मेरा पुत्र, ट्रैफिक का माहौल ही ऐसे। यार देखो यार, पिछले कई दिनों से मुझे लगा था कि चाचू मैंने आपके साथ जाना है, इसका भी मैं चाचू लगता हूँ, ठीक है ना? तो चाचू मैंने आपके साथ जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार आज बच्चे को पिक कर लिया जाए, वरना हर वक्त आप लोगों ने देखा वकार तला वो लोग तो होते हैं, इस दफा इसकी बारी है, मैं कहा आ जाए शहजादे लेट्स डू इट। तो ये है कि जी अब इसको पिक किया है और मैं अपने पुराने मोहल्ले पहुंच गया, बस यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और इंशाल्लाह जी फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे खड़े होके, ठीक है जी? सो 5 मिनट ठहरे, मिलते हैं आपसे, स्टे ट्यून। तो जी मैं अपने पुराने मोहल्ले पहुंच गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अगर सलमान, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सलमान है? तो मैं अपने दोस्त को मिलने आया था सलमान को, वो तो यहाँ पे नहीं है। चलो आ गए पुराने मोहल्ले में एक दफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे दर्जी भाई हैं, ये कपड़े वगैरह भी सीते होते हैं हमारे। अच्छा जी अहमद भैया पीछे पीछे मेरे साथ साथ रहो, घूमना जाना और चेक करो जी। भाई जान क्या हाल है, कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है, हैं क्या हाल है आलू सेठ? कर अल्लाह ताला का, आप सुनाएं कैसे हैं जी? ठीक है जबरदस्त माशाल्लाह जी, अल्लाह सलामत रखे आपको भाई। इसका तो आपको पता ही है, हमारे लंगोटी यार है, इसकी बेकरी है, चेक करो जी। ये यहाँ पे अगर आप लोगों को पता हो बकरखानी, जो सुबह नाश्ते में चाय के अंदर डाल के खाते हैं ना, बकरखानी जो होती है अरे वो, इसकी माशाल्लाह फैक्ट्रीज है उसकी, तो बकरखानी बन रही है, ये चेक करो, दिखाता हूँ आपको, चेक करो पैकिंग हो रही है। शेरा जी छोड़ दो ना करया करो। एनीवे जी ये बकरखानी है गाइस, देख रहे हैं आप, ये सुबह नाश्ते में चाय के अंदर डुबो के खाई जाती हैं।
और ये भाई क्या हाल है? ठीक है, क्या नाम है आपका? दाऊद। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जी। लो जी, बस थोड़ा सा काम है यहाँ पे, भाई को मिलन के यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे जरा हम कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ जाना था हमने? गड्डी ठीक करवाना। गड्डी ठीक? और गड्डी नहीं, वॉच, वॉच रिपेयर करवाने। नहीं, हाँ वॉच रिपेयर करवाने जानी है, लेकिन कहाँ पे जाना है? कहाँ है ये? नहीं नार के लिए, नहीं नार के लिए। ठीक है गाइस, बस दो मिनट जरा बाइक साहब बैठ जाऊँ, दुआ करो दो मिनट बैठूँ, लास्ट टाइम तो बैठा भूल गया, मैं इतने बैठे हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलता हूँ, स्टे ट्यून। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, एक चीज मैं आप लोगों को बताने लगा, आप चेक करो, मैं बैठ गया जी होंडे पे, ठीक है जी, होंडा 125। ये 125 भाई, ये जो दोस्त है ना मेरा, जब मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका से वापस आया था 2 साल बाद, इसने होंडा ला के मेरे घर के बाहर, इसने स्पेशल मेरे लिए ब्रांड न्यू होंडा निकलवाया और घर के बाहर खड़ा कर दिया कि भाई जब तक आप इधर हो ये होंडा आपका है, आपने चलाना है। और अब मैं जाने लगूँ, मैंने सोचा मैं वॉक करके चले जाता हूँ, कहता नहीं भाई होंडा पकड़ो, होंडे पे जाओ, तो गाड़ी उधर ही खड़ी है और अब हम जाएंगे होंडे पे। क्यों भाई? चलो जी होंडे की राइड करते हैं। ये भाई थोड़ा कैमरा पकड़ के दिखाएंगे आपको मैं कैसे चला रहा हूँ, दुआ करो सही चल जाए। लास्ट टाइम तो देखा था आपने तला को बिठा के चलाई थी, वो कलमे पढ़ता पे थी, ये पता नहीं क्या करता है। एनीवेज निकलते हैं, भाई ने होंडा दे दी मेरी जान ने, अल्लाह सलामत रखे उसको, निकलते हैं इंशाल्लाह, आपसे मिलते हैं रास्ते में। ओके गाइस, तो जी राइड शुरू कर ली है, थोड़ा कैमरा सही दिखाना है इनको, ऊपर करके यार दिखा, ये चेक करो भाई आपका बाइक चला रहा है बाइक, और बाइक में से सीध नहीं चल रही, मैं मेरी बाइक दौड़ रही है, क्या करें भाई, दुआ करो खैर से पहुंच जाए, और पहुंच के आपसे मिलते हैं। मैं वैसे यार आई मिस राइडिंग बाइक, मुझे याद आ रहा है यार पुराना अपना दौर जब हम बाइक चलाया करते थे। तो भाई फाइनली मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे जाना था, ये है जी सिटीजन राडो टाइम जोन रोलेक्स वगैरह, ये मतलब कि वॉचेस की दुकान है, मुझे यहाँ पर वो अपनी घड़ी में सेल डलवाना है, मेरा नहीं अम्मी की है। तो एनीवेज ये है जी हमारा न्यू नारकली, माशाल्लाह आगे चले जाओगे ओल्ड नारकली है, ये सारा न्यू नारकली, और सीधा जाते जाओगे तो आगे क्या आएगा, आगे क्या है, बाजार ही बाजार है, लेकिन आगे मोची दरवाज़ा, ये सारा अंदरून लाहौर शुरू हो जाएगा। लेकिन बात फिर वही है, आज बहुत ट्रैफिक है, और मुझे पता चला कि क्या क्यों ट्रैफिक है भाई, मरियम नवाज साहिबा आई हुई हैं, साहिबा कहते तो बेहतर है, उनकी वजह से शायद पूरी ट्रैफिक धरना लाहौर का निज़ाम धर्म भरम हुआ पड़ा। लेकिन देख लो जी न्यू नारकली विद अहमद बुखारी राइट देयर, बुखारी फैमिली बुखारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे निकलते हैं यहाँ से, निकलते कहाँ हैं पहले अंदर से हुआ है, उसके बाद आपसे मिलते हैं, तो स्टे ट्यून्ड। जी मैं निकल आया हूँ बाहर, यार मुझे एक चीज़ नज़र आई है, दुकान के साथ यहाँ पे है एक शॉप है, इट्स लाइक कस्टम दूल्हों के कपड़े हैं भाई, चेक करो। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम, यार चेक करो भाई, हाय हाय हाय, आई लाइक इट दिस वन, यार ये अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा है, नॉट बैड, लुक एट दिस, बस देख लो आप लोग, मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, भावे मत कहना दिखाया नहीं था भाई, दिखा दिए मैंने आपको, ऐसे कुछ लूंगा मैं, क्यों भाई बस निकलते हैं यहाँ से, काम हो गया है तो वापस अपने पुराने मोहल्ले जाते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, और अपने बच्चे को भी अपने पुराने दोस्तों से मिलवाते हैं, क्या करते हैं, इंजॉय करवाते हैं जी। ठीक है, ओके गाइस, तो मैं आया हूँ अपने पुराने मोहल्ले में, ये हाफिज सुपर स्टोर पे, अगर आप लोगों को याद हो लास्ट टाइम सामान ले गया था, तो चलते हैं अंदर दोबारा, सामान लेने आया उनसे मैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाईजान, क्या बात है भाई, इनको आप लोग शायद नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं, ये हमारे बचपन के ना वो हैं, क्राइम क्या कहते हैं, क्राइम पार्टनर, वो पीछे करेक्शन कर दी भाई ने, क्राइम पार्टनर हम लोग हैं, बाबे वाली गेम, अगर आप फूसबॉल जिसे फूसबॉल कहते हैं इंग्लिश में, ये ग्रुप है हमारा, ठीक है जी। ये फंस गया सी है गिट गया, ओ चुक ले खा लिया ये भाईजान, भाई असलम हमारे, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी देर बाद उनको मिला हूँ, मैं कब से आया उसके बाद आज मिला उनको, और अब 10 दिन रह गए वापस जाने में, लेकिन मुझे भाई नजर आया, मैं कहा भाई आपको मैं कैप्चर कर रहा हूँ अपने ब्लॉग में, ठीक हो गए। बाकी इनको तो आप जानते हैं, हाफिज जी वालेकुम सलाम, ये भाई भी सलाम करते हैं भाई जी, सलाम वालेकुम, और ये तो आप इसको कौन नहीं जानता, इनसे मैं रेड लेने आता हूँ बस ये वही लड़का है जिसने कहा भाई रेड लेने आयो सामान लेने आयो, बाकी ये भाई सलाम वालेकुम भाईजान,
अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। अस्सलाम रहमतुल्लाह। अस्सलाम, आपका नाम क्या है? शाहजेब। शाहजेब माशाल्लाह। और आज हम फिर सामान लेने आए हैं, और सामान लेने आए तो ये हमारा बड़ा भाई हमें मिल गया। मैंने कहा इनको ब्लॉग में होना चाहिए, और इसकी ये आपका ब्लॉग बहुत दूर तक जाएगा। बहुत दूर तक मैं आ गया हूं। पहले ही बहुत दूर तो ब्लॉग आंदा है, और दूर जाएगा, और दूर जाएगा, पता नहीं जाएगा इंशाल्लाह। मैंने कहा अपने भाई को अपने ब्लॉग में ले जाते हैं इकट्ठे, जितने कर सकूं भाई बचपन की, हाँ वो कर लेनी चाहिए, बाकी जिंदगी का पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही साथ बने रहे, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे इंशाल्लाह, स्टे ट्यून्ड। वन आवर लेटर। अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम निबेड़ने थे निबेड़ लिए, कर लिए सारे काम। अपने पुराने मोहल्ले में भी जिन जिन दोस्तों को मिलना था सबको टाइम दे दिया। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलते हैं, बस घर की तरफ चलते हैं। रात के 10:30 होने वाले हैं, तो यहाँ से मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। ऐसे ही है भाई जान, आज वाकई बहुत ट्रैफिक है। आई एम नॉट किडिंग, आज कुछ स्पेशल है। लेकिन यार एक और चीज़ दिखाऊँ, चेक करो। हाय 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 भाई, रबी लेवल की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं इस हमारे मोहल्ले में। तो इंशाल्लाह जिस दिन रबी लेवल होगी हम वापस इसी मोहल्ले में आएंगे, इंशाल्लाह रबी लेवल पूरा कवर करेंगे इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो सलामती के टाइम आए, प्लान तो यही है। बाकी देख लो माशाल्लाह वहाँ पे भी लाइटिंग शुरू हो गई है, ये भी सज गया है, वो सामने घर भी अभी आस्ता आस्ता हाँ ओके हो गया। पहला भाई जी, भाई आपने आना है व्लॉग में? बड़ी मेहर नहीं है बेटा, अब आप व्लॉग में आओगे ये मैं दिखाऊंगा, पुलिस आपके घर आएगी अब। अच्छा, क्या आपने बदतमीजी की मेरे साथ? पुलिस उठा के ले जाएगी आपको भाई, देखो पुलिस उठा के ले जाएगी अब आपको। आपको पता है आपने यूट्यूबर से पंगा लिया है? आपको पता नहीं यूट्यूब का कितने पावर है यहाँ पे आजकल? कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अल्लाह खुश रखे मेरा पुत्र, सलामत रहो। चलो यार चले, बिस्मिल्लाह। मुझे अब याद आया कि मैंने आप लोगों को ये जगह दिखानी थी, ये जैन मंदिर सारा। मैंने सोचा मैं आपको ये दिखाऊंगा, लेकिन भाई अब टाइम नहीं है इतना। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग बनेगा ना इंशाल्लाह, उसमें मैं ये इंशाल्लाह ज़रूर कवर करूंगा। अभी अब टाइम नहीं बचता क्योंकि जो काम करने थे उन पर काफ़ी टाइम लग गया। अब यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते हमें 12 बज जाएंगे यार, इसलिए मैं यहाँ से गुजरने लगा था। मैंने कहा पहले यहाँ पर रुक के मैं आपको ये चीज़ के लिए अपोलोजाइज कर लूँ, लेकिन देख लें ठीक है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे। ठीक है भाई जन? जी ठीक। तो हम लोग घर जा रहे थे तो मुझे एक यहाँ पे ये देखो हाजी आमिर जूस वाला नजर आया। हम लोग जब जिम आते थे ना पहले बचपन, क्या हम लोग जिम जाते थे इधर आगे, तो वापसी पे यहाँ पे हम इस लड़के से केले का मिल्कशेक पिया करते थे। अब मैं गुजर रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई हर दफा पीता हूँ जब मैं पाकिस्तान आता हूँ, तो अब जब से यहाँ मैंने अब तक पिया नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक गिलास पिए, दोनों भाई पी के जाते हैं यहाँ से फिर घर की तरफ चलते हैं आगे। तो लेट्स गो। देखो बाहर यार है। चलो यार मैं मिलता हूँ, दोस्त मिल गया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, ने इधर भी जान चढ़नी। ये भाई तो भी आप मिले ही हो, तो मेरी जान इधर मुझे मिल गई है। तो जी मैं ही आया हूँ जी हाजी आमिर जूस कॉर्नर, और यहाँ से हम जब जिम से निकलते थे भाई यहाँ पे हाजी दे के हम लोग घर जाते थे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो जी जूस पीते हैं, जूस नहीं शेक, केले का मिल्क शेक पीते हैं। पहचान लिया भाई ने, मैं तेरे को मिलवाता हूँ, मैं मिलवाऊंगा तेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल चाल है, पहचाना? मैं घर जा रहा था, मैंने कहा आमिर मैं किधर हाजी दे के जाऊंगा मैं। अल्लाह खुश रखे आपको। ये हमारे जो है ना जिम के बाद हमें यहाँ पे केले का मिल्क शेक यही पिलाते थे हमें, ठीक है ना। और ये बन रहा है, अल्लाह सलामत रखे मेरी जान आपको, मेरी जान अल्लाह खुश रखे। तो जी शेक पीते हैं, उसके बाद पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, फिर आगे चलते हैं घर की तरफ इंशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह देखो जी आमिर भाई हज भी कर रहे हैं माशाल्लाह, हज ही हो गए अब तो माशाल्लाह। भाई जान जिसके साथ बचपन गुजरा भाई, याद है यहाँ पे ये इधर रेडी होती थी सारा याद है। भी मैं ना अपने ब्लॉग में बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो पाकिस्तान आया हूँ ना ये चेक करो जी ये माशाल्लाह क्या बात है जी, ये भी तैयार हो रहा है। हाँ जी अभी तैयार हो रहा है जी, इसके ऊपर भी खोया ये चेक करो जी, डाल नहीं डाले क्या है जी खोया। हाय 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 आप ऊपर से रूह अफजा, आए क्या बात है, स्टार रहन दो, स्टार तो गैर बिना ये है जी मैंगो, ये मैंगो का हो गया जी, मैंगो खोया, मैंगो विद खोया, क्या बात तो हो रहेगा। ये हमारा ही है, लो जी बिस्मिल्लाह पकड़ बेटे, ये पकड़ लो
भाई देख रहे हो, ये है जी हमारी सुगात पुरानी। हम खोए पे बड़ा लड़ते थे, हमें खोया पाया करो थे। चेक करो जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर आपको टेस्ट बताते हैं। बता सकते हैं भाई, टेस्ट करना तो यहाँ पे आओ। सॉरी अमन भाई, एड्रेस बताएं जरा। संग जनाजगा लिटन रोड। बस जी, जनाजगा के बिल्कुल सामने, जनाजगा के बिल्कुल सामने, सामने जनाजगा है, मजंग रोड है, लिटन रोड, राइट। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोग आए हैं। और आमिर भाई, हाजी आमिर जूस कॉर्नर, यहाँ पे आके आपको शेक पिए मजा ना आए ना, फिर कहना बुखारी जी तुसी बकवास की थी। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, ये कोई मजाक नहीं है। चेक कर लो, पीते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह ट्राई करते हैं। और देखो मेरे भाई ने ऊपर और खोया डाल दिया, अल्लाह सलामत रखे जी। नहीं नहीं, चम्मच रहने दे ऐसे ही। बिस्मिल्लाह। आमिर भाई क्या बात है, आपका प्यार है। मैं आपका प्यार है, ये प्यार से आप बनाते हो ना, ये इसलिए आज तक भूले नहीं है इस चीज को। अल्लाह आपको सलामत रखे और कामयाबियां दे आपको। क्या बात है, वही टेस्ट है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह शेक पी लिया। हाय 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 हाय, क्या टेस्ट है यार, अल्लाह की कसम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एनीवेज अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं जी, और अब इंशाल्लाह घर पहुँचेंगे। देखते हैं घर पहुँच के इस व्लॉग को एंड करते हैं, नहीं तो अभी कुछ खास पता नहीं है। फिलहाल घर पहुँचते इंशाल्लाह आपसे घर पहुँच के आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। स्टे ट्यून और सी यू गाइस एट होम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुँच गए हैं। बस अहमद मैंने बच्चों को जो बाकरखानियाँ मासिले कहे थे वो मैंने कहा उसको थोड़ा घर घुसा दे अंदर। और मैंने बस लगे सोचा रात के जब बज रहे हैं 12, देखो मैंने कहा था 12 बजे पहुँचेंगे हम लोग, 12 बजे ही घर पहुँचे हैं। तो मैंने अब सोचा कि हम लोग, आपको पता मैं डेली रात को वो खाने जाता हूँ नेबलेट्स, तो मैंने अब सोचा कि यार बच्चा आया है, मैं डेली जाता तो हूँ खाने, तो अब इसको भी लेके चलते हैं, वरना वकार तला तो हर वक्त जाते रहते हैं मेरे साथ। तो आज ये बच्चा मेरे साथ है तो क्यों ना इसको लेके साथ चलें, ठीक है जी। तो बस वो सामान रख ले, बच्चा सामान रख रहा है, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह नेबलेट्स खाने चलते हैं और वहाँ जाके इस व्लॉग को एंड करेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं अपने भाई के पास आ गया हूँ। भाई जान सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तैयार है मेरे लिए? बिल्कुल रेडी। अच्छा जी, ये अब लगते हैं तो आपको दिखाते हैं मैं क्या खाता हूँ। मैं दुमची वगैरह नहीं खाता भाई, वो तला ने उस दिन खानी थी उन लोगों ने तो उन्होंने ऑर्डर कर दी। नहीं खाते हैं, कभी कभी दो का टेस्ट करते हैं। या कभी दो का टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट खाते हैं दुमची में, टेस्ट के लिए ओनली टू। वरना क्या खाता हूँ? वरना फ्लैट विंग्स, नेबलेट ये लगी हुई है, ये लगी हुई है। लेकिन मेरे लिए भाई वो फ्रेश लगाएंगे, वो तो फ्रेश आप, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो, एक मिनट दिखाता हूँ जी आप लोगों को। मेरे लिए मेरा भाई फ्रेश लगाएगा, ये चेक करो। अरे अभी निकली है फ्रिज से, और इससे मिलो जी, लास्ट टाइम तो आप उनसे मिले थे ना। कैसे हैं भैया? ठीक है, इस दफा इनसे मिलेंगे, ये हमारा शहजादा है। सलाम मेरी जान, नाम बताओ अपना। अब्बास अली। ये मेरा बच्चा भाई माशाल्लाह बड़ा मेहनती है, अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। और मेरे साथ बड़ा बड़ा प्यार है इसका, जब मैं आता हूँ अल्लाह सलामत रखे इसको, बड़ी कहते ना मेरी वो करता है केयर करता है, अल्लाह सलामत रखे इसको, खुश रहे आबाद रहे, अल्लाह कामयाबी दे इस बच्चे को। आ गया ना व्लॉग में जी। अब घर बहुत शौक था इसको व्लॉग में आने का, मुझे बार बार उमर भाई नहीं आएंगे, उमर भाई नहीं, बड़ा मजा आया। आए भैया, अब आपने घर वालों को भी दिखाना है, अपनी मामा को। ये अब सुबह होगा, नहीं नहीं ये 3-4 दिन में आएगा व्लॉग, 3-4 दिन। हाँ लेकिन व्लॉग आ जाएगा ये वाला, नहीं आज फिर मैं आपके व्लॉग में। ठीक है, बस व्लॉग सारे देखने हैं, ठीक है जी। गाइस आइए एक लग जाए मेरे भाई को, शुरू कर दिए मेरे भाई ने। ये इनके लिए लिटिल सा एडवेंचर होता है पेट पूजा के लिए, लिटिल से मतलब 15-16 सीखे सिर्फ, सिर्फ इतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 15 को सीखे बस, 16 बस। और ये मेरी जान, अल्लाह खुश रखे, बहुत सोना बच्चा हमारा, अल्लाह खुश रखे, खुश रहो, कामयाब हो, कामयाबियाँ हो। और मेरे वो बड़े भाई उधर खड़े हुए हैं, भाई जान साहब, वो शहजाद भाई हैं जी माशाल्लाह। भाईजन सलाम, भाईजन कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। ये इन भाई को तो आपने देखा व्लॉग में, और सब खैरियत है? कल के लिए बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा काम किया, अल्लाह आपको जजा दे उसकी। इन भाई ने मेरा काम किया है, वो जो मैं नहीं बता सकता व्लॉग में, लेकिन किया है। वो हंस रहे, उनको पता है भाई व्लॉग में नहीं बता सकते भाई। वो सीक्रेट है, ठीक है, वो सीक्रेट है। लेकिन थैंक यू वंस अगेन, अल्लाह को खुश रखे, थैंक यू जजाकल्ला। तो ये मेरा बच्चा, और दूसरा वो बह गया फोन पे,
ये बात ना, रख दी साथ ही फोन, अच्छी बात है। एनीवे जी, विंग्स लग रही है, दिखाता हूँ आपको। लाइक आई सेड, यहाँ पे नेबलेट्स कहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये है जी, ये चेक करो जी, माशाल्लाह। हाँ जी, भाई परेशान हो गए सुन के, 16 सीखा खानी है इन्होंने। नहीं माशाल्लाह, खाओ अल्लाह तानू, आओ मिन्ना खाओ भैन बहू, बिस्मिल्लाह। यार देखो, हमें मिलती नहीं ना वहाँ पे, जहाँ से हम आए हमें वहाँ पे ये टेस्ट नहीं मिलता भाई, तो मैं इसलिए डेली रात को आता हूँ भाई से पूछ ले, एवरी नाइट आके मैं खाता हूँ। हाँ जी भाई जान, पता है इनका तो पूरा व्लॉग है मेरे पास, यूट्यूब पे व्लॉग डाला हुआ भाई जान का, ठीक है जी, और आप भी अब व्लॉग में आएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह सलामत रखे जी, लग रही हैं, आती हैं तो खाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि व्लॉग मेरा शुरू से चल रहा है, लेकिन मैंने इस अपने इस बच्चे को लेके आना था व्लॉग में, क्योंकि इसको मैंने प्रॉमिस किया हुआ था, स्पेशली इस बच्चे को मैंने लेके आना था, इसलिए मैंने व्लॉग को कंटिन्यू रखा, ताकि मैं यहाँ पे आके इस व्लॉग को एंड कर सकूँ। तो अब मैं इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लस प्रेस द बेल आइकन बटन, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऐसे साथ बने रहें इंशाल्लाह। आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बिअमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, सर जी अल्लाह हाफिज़।